फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के गुलाब जामुन, जिसे हम रवा भी कहते हैं। दिवाली फेस्टिवल नजदीक आ रही है, आप दिवाली फेस्टिवल पे ये गुलाब जामुन बना सकते हैं, वेरी इजी टू प्रिपेयर। तो आइए शुरू करते हैं सूजी के गुलाब जामुन बनाना। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ये सामग्रियाँ ली हैं। हमने मेजरिंग कप से 200 ग्राम ये बारीक रवा लिया हुआ है, 250 ग्राम हमने ये शुगर लिया हुआ है। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून हमने मैदा और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, आप खोआ भी यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल लिया हुआ है हमने, 5 to 6 हमने इलायची को क्रश कर लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून हमने ये रामदाना लिया हुआ है, ग्रोसरी शॉप पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा, 2 टेबल स्पून हमने घी लिया हुआ है, 1 ग्लास मिल्क लिया हुआ है हमने। हमने गैस पे पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम रवा डालेंगे और रवा को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। रोस्ट करने में हमें इसे 3 से 4 मिनट लगे हैं। रवा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसमें 1.5 ग्लास हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क को अच्छे से रवे में हम मिक्स करेंगे, केक भी लम्स ना रहे। रवा को हम ज़्यादा गीला नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका डो तैयार करना है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी को भी अच्छे से रवे में मिक्स कर देंगे। घी और दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है रवे के अंदर, ध्यान रखें इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम शुगर सिरप की प्रिपरेशन करेंगे। हमने गैस पे पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, हमारा पैन गर्म हो चुका है, उसमें हम शुगर डालेंगे और 1.5 बाउल हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और शुगर को एक बार अच्छे से चला देंगे और गैस का फ्लेम स्लो करके रख देंगे कि हमारा शुगर सिरप धीरे धीरे होता रहे। अब हम गुलाब जामुन के डो तैयार करेंगे। हमने रवा को बाउल में निकाल लिया है, रवा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम मैदा और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करेंगे कि गुलाब जामुन के अंदर इसका फ्लेवर आए, बाकी इलायची हम शुगर सिरप में ऐड करेंगे। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी हाथ में लगाएंगे और इसे हम अच्छे से मसल मसल के स्मूथ डो तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फ्राई करते समय फट जाएंगे। इस तरह हमें इसे मसल मसल के स्मूथ करना है। इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। अब हमारे गुलाब जामुन का डो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। अब इसका हम गोली तैयार करेंगे गुलाब जामुन की। हाथ पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और जितना बड़ा हमें गुलाब जामुन बनाना है उतनी बड़ी हम लोई लेंगे और उसे हम थोड़ा सा बाइंड करके तब रोल करेंगे। अब इसके अंदर हम ये जो रामदाना है वो स्टफ करेंगे और स्टफ करके इसे हम अच्छे से रोल करेंगे। रामदाना हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो गुलाब जामुन का इन पार्ट है वो सॉफ्ट और मीठा बना रहे, क्योंकि शुगर सिरप कभी कभी इनसाइड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम इसमें रामदाना स्टफ कर रहे हैं। अब हमारा गुलाब जामुन का पहला गोल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें एक भी क्रैक न रहे। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन के गोल तैयार करेंगे।
अब सारे गुलाब जामुन की गोली डीप फ्राई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारा शुगर सिरप तैयार हो चुका है, एक तार का शुगर सिरप हो चुका है। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर मिक्स करके हम शुगर सिरप को साइड में रख देंगे कि ठंडा हो जाए वो थोड़ा सा। हमने गैस पे तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं उसे हम देखने के लिए इसमें एक गोली डालेंगे। गोली ऊपर आ रही है, हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है गुलाब जामुन का गोली डीप फ्राई करने के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के सारे गुलाब जामुन की गोली को फ्राई करेंगे। हम एक बार में 4 से 5 गुलाब जामुन की गोली डालेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हमारा गुलाब जामुन है वो ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल के शुगर सिरप में ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आपका शुगर सिरप जो है वो ज़्यादा गर्म ना रहे। शुगर सिरप में हमने ये गुलाब जामुन को डाल दिया है। अब इसमें हम सेकेंड बैच भी डीप फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब हमारा गुलाब जामुन है शुगर सिरप के अंदर हमने ऐड कर दिया है, इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे कि शुगर सिरप अच्छे से गुलाब जामुन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे जिससे हमारे गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे अब साइड में। आधे घंटे हो चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन हैं सूजी के वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें शुगर सिरप अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये गुलाब जामुन और उतना टेस्टी भी है ये। फ्रेंड्स, आप मेरे ये सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।